हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 485 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनरेबल भाई को दिखाया जाता है कि हम भी इनर सेक्ट के ही पार्ट है, और अगर इनर सेक्ट खत्म होता है तो उसके साथ हमारा भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। जुफेन भी कहता है कि क्योंकि इनर सेक्ट स्क्रैप हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो मैं तुम लोगों को अपने अलाइट लेबर ऑफिस में तुम्हें ज्वाइन कराने के लिए वेलकम करता हूँ, जिससे कि तुम उन रिसोर्सेज, उन जूसी पाई का मजा यहाँ लेबर ऑफिस में भी ले सको। जुफेन की ये बात सुनकर तो एल्डर की और एल्डर भाई दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। हैरानगी में ही कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे लेबर ऑफिस में ज्वाइन कर लें? तो जुफेन कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली तौर पर कहूँ तो अब हमारे लेबर ऑफिस में बेहद ही ज्यादा भीड़ हो चुकी है, इसलिए उस भीड़ को संभालने के लिए अब हमें एल्डर्स और वेनरेबल्स की सुपरविजन की जरूरत है। तो अगर सर इस बात को उचित समझे तो लेबर ऑफिस के कामों को टेक ओवर करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। वैसे भी सेक्ट लीडर इस प्लेन वर्ल्ड में एक अलाइट लेबर ऑफिस चाहते हैं, जैसे कि वो एक न्यू इनर सेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि हम वहाँ पे एक ट्रू अलाइट्स को बना सके। और भले ही इनर सेक्ट की जड़ें कितनी भी ज्यादा गहरी क्यों ना हो, ये केवल समय की ही बात है, वो भी एक दिन खाली हो जाएगा। से भी इनर सेक्ट को तो अब तक वेनरेबल सी ही कंट्रोल करते हुए आए हैं, और वहाँ पे जो भी कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं उस सारी पाई को तो खाली वेनरेबल सी ही ले जाते हैं, जबकि आप लोगों को तो वहाँ का बचा हुआ सिर्फ स्क्रैप बचता है। लेकिन अब अगर आप हमारे लेबर ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी पाई मिलेगी, इसलिए आपको उसके बचे हुए स्क्रैप को छूने तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए अब आपको उनके साथ चुपके रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब आप अभी के अभी हमारे साथ आइए और आराम से इस सब को एंजॉय कीजिए, वरना तो बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब जुफेन की ये बात सुनने के बाद में तो वेनरेबल की और वेनरेबल भाई काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। साथ ही अपने मन में कहते हैं कि सेक्ट लीडर एक नया इनर सेक्ट चाहते हैं, लेकिन अलाइट लेबर ऑफिस अभी बेहद ही ज्यादा फ्रेश और नया है, और कौन जानता है कि लास्ट पे आखिर वो कितना टिका रह पाएगा, इसीलिए यहाँ पे भी डेंजर बेहद ही ज्यादा बड़ा है। तो अब जब वो दोनों वेनरेबल ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी जुफेन अपने पास से एक एक पिल की बोतल निकाल करके उन दोनों वेनरेबल्स को दे देता है, जिसे कि लेने के बाद वो दोनों वेनरेबल्स भी उस बोतल को खोल करके देखते हैं। जैसे ही वो दोनों उस बोतल को खोलते हैं, तो उस बोतल के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल 10th ग्रेड की पिल का ऑरा रिलीज होता है, जो देख करके तो वो दोनों ही वेनरेबल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक 10th ग्रेड की पिल है। जुफेन भी हंसते हुए कहता है कि ये एग्जैक्टली एक 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पिल है, और ये तो सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन है, और अगर आपको ये अभी भी सस्पिशियस लगता है तो आप इसमें और भी लोगों को ज्वाइन कराइए, और जो भी एल्डर और वेनरेबल हमारे लेबर ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, मैं हर एक उस एल्डर और वेनरेबल के लिए एक 8th ग्रेड की पिल को ऑफर करूंगा। तो ये सुनकर के तो एल्डर की काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं कि जुफेन हर एक के लिए एक 8th ग्रेड की पिल देगा, जबकि उनके ऐसे हैरानगी भरे चेहरे को देख जुफेन भी कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, और क्योंकि आप उन लोगों के बीच मीडिएटर होने वाले हैं तो आपके इन एफर्ट्स के लिए आपको बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और बाकी के लोगों को तो सिर्फ 8th ग्रेड की ही पिल मिलेगी, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इस काम को तेजी से करें, स्पॉट्स काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब जुफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो लोग भी काफी ज्यादा सीरियसली तरीके से इस बारे में सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि एक साथ मिलकर के जुफेन और सेक्ट लीडर एक दिन इनर सेक्ट का एंड कर ही देंगे, जैसा कि हम जानते हैं। और यहाँ इसी तरीके से और ज्यादा समय तक बैठे रहने से हम लोग तो यहाँ पे एक टॉप का चारा बन जाएंगे, इसीलिए अब हमारे लिए हमारी साइड को चेंज करना हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस रहेगी। तो अब दोनों वेनरेबल्स के ये सब सोचने के बाद में फाइनली एल्डर की जुफेन को बताते हैं, ठीक है, हम लोग तुम्हें ज्वाइन करने के लिए एग्री है, और यहाँ तक कि हम लोग अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को भी अपने साथ इसमें जोड़ देंगे। तो ये सुन फिर जुफेन हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, इनर सेक्ट बेहद ही ज्यादा सड़ा हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे आपकी छाप छोड़ने के लिए एक बेहद ही अच्छी जगह है, इसलिए अब आपका भी हमारी इस नाव पर स्वागत है। तो जुफेन के इतना कहने के साथ ही अब यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज होता है, और अगला सीन हमें वापस से लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे की जुफेन वापस से उड़ता हुआ आ रहा होता है। गैंगर भी खुश होते हुए कहता है कि मास्टर वापस आ रहे हैं। तभी ये सुनकर के तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पे जुफेन के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे की जुफेन ने आकर के लैंड किया। गैंगर उससे कहता है कि
कि मास्टर आखिर आप पिछले 3 दिनों से कहाँ पे गए हुए थे, हम लोग तो यहाँ पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं जबकि आप इधर उधर घूम रहे हैं। ये सुनकर के तो ज़ूफ़ेन गैंगर के सिर पे एक टपली मारते हुए उससे कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही भटक रहे हो बच्चे, बेहतर होगा कि तुम इसे याद रखो। कहते ही ज़ूफ़ेन अपनी उंगली से उसके सिर पे फ्लिप करता है। तभी वहाँ पे गुईहू भी आते हुए ज़ूफ़ेन से कहता है कि स्टीवर्ड ज़ू, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने पास रहने देंगे, तो क्या आप अगली बार कहीं जाते समय आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुन ज़ूफ़ेन भी हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन अभी ये टाइम थोड़ा डिफरेंट है। इसी के साथ में फिर ज़ूफ़ेन अपने मन में कहता है कि उन दोनों वेनरेबल से मिलने के अलावा मैंने पिछले 3 दिनों का उपयोग मैंने बाकी के डिसाइपल क्विलिंग और यूलिंग से मिलने में भी किया, और मैं अपने साथ इस क्विहू को नहीं ले गया क्योंकि वैसे भी ये ग्रैंड एल्डर का ही डिसाइपल है, जबकि ये यहाँ पर मेरे पास में डबल ड्रैगन गैदरिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आया है। लेकिन जब बात दूसरों लोगों के पैरों से कालीन छीनने की आती है तो मैं ज्यादातर सेफ खेलना पसंद करता हूँ। एल्डर युआन भी ज़ूफ़ेन को देख उससे कहते हैं कि स्टीवर्ड ज़ू, पिछले कुछ दिनों से इनर और आउटर सेक्ट डिसाइपल्स की लाइन थोड़ी पतली होती जा रही है। तो तभी ये सुन ज़ूफ़ेन बाकी के चारों डिसाइपल्स से कहता है कि आखिर अब तुम चारों यहाँ पर किस लिए खड़े हो, जल्दी से अपने अपने स्थानों पर वापस जाओ। ज़ूफ़ेन की इतनी बात सुनते ही वो चारों डिसाइपल भी वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, जबकि तभी ज़ूफ़ेन भी उन लोगों को जाते हुए देख कहता है कि यंग लोग अभी मामले को संभालने के लिए काफी ज्यादा नए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि मुझे उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। तभी एल्डर युआन भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन इस बात का डर है कि वो लोग जल्दबाजी में आपके प्लान का खुलासा कर देंगे। इतना कहकर के फिर एल्डर युआन हंसते हुए कहते हैं कि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी ज़ूफ़ेन एल्डर युआन को बताता है कि एल्डर युआन, मैं पिछले कुछ दिनों से इनर सेक्ट में इधर उधर घूम रहा था और तभी मैंने ये नोटिस किया कि उन ओल्ड गीजर्स ने डिसाइपल्स के नए ट्रेंड को रोकने के लिए अपनी चाल चल दी है। फिर एल्डर युआन भी थोड़े शैड होते हुए कहते हैं कि इसका मतलब तो उन लोगों ने हमारे प्लान को नोटिस कर लिया है, इसलिए अब वो लोग अपने डिसाइपल्स को कड़ी तरीके से पकड़ कर रखेंगे और अब उन्हें बस अपने लोगों पर नियंत्रण रखे रखना होगा, जिसके बाद हमारी ओर से किया गया कोई भी प्रयास उनके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं ला पाएगा। सेक्ट की सिचुएशन हमेशा लोगों के ट्रेंड के हिसाब से ही रहती है और वेनरेबल्स ही तो इतना ज्यादा शार्प है कि वो इसे नोटिस भी नहीं कर सका। कभी ज़ूफ़ेन भी कहता है कि जो भी हो, आफ्टर ऑल इनर सेक्ट इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, वो बूढ़े लोग अभी भी एक दूसरे से काफी ज्यादा असहमत है, और भले ही वो लोग तूफान का सामना करने के लिए एक साथ मिलकर के काम करते हैं, मगर मुझे बस उन लोगों को उकसाने की ही जरूरत है जिससे कि उन लोगों में बड़ी ही आसानी से एक दरार बन जाएगी, और सिर्फ कुछ वादों के साथ ही वो किताब पलटने की तेजी से भी ज्यादा तेजी से पलट जाएगी। इसके बाद ज़ूफ़ेन एल्डर युआन को बताता है कि वेनरेबल की और वेनरेबल भाई उन लोगों के बीच में विभाजन करेंगे, जबकि क्विलिंग और यूलिंग की मदद से मेरे पास कुछ बोर्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट इनर डिसाइपल्स हैं, और लगता है मैंने जो उन लोगों के ऊपर फेवर किया था वो अब अपनी वर्थ दिखा रहा है। तो ये सुनकर तो एल्डर युआन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि मैं सच में बेहद ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कैसे स्टीवर्ड ज़ू के सभी स्टेप्स एकदम कैलकुलेट और एक्यूरेट कंट्रोल्ड होते हैं। ये सुन फिर ज़ूफ़ेन थोड़ा नाराज होते हुए कहता है प्लीज, मैंने उन वेनरेबल्स के लिए अपनी 2 10th grade की पिल्स को वेस्ट किया है और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अदर ओल्डीज के लिए मुझे उन सब के लिए एक एक 8th grade की पिल देनी होगी, और अगर ऐसा ही चलता रहेगा फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो एल्डर युआन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या आपका पैसा कम हो गया है, मगर अब आखिर आपके पास कितना पैसा बचा है। तो ज़ूफ़ेन कहता है कि आखिर आपको इसकी परवाह क्यों है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें बताने के बाद में कि मैं अपने पैसे के साथ में एक नया सेक्ट खड़ा कर सकता हूँ। मगर इसके अगले ही समय फिर ज़ीवुए ने मुझसे ये करने को कहा, फिर क्या आपको लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूँ, आपको मेरी संपत्ति बता देने से आप मुझे सब कुछ खर्च करने पर मजबूर कर देंगे। तो ये सुनकर के तो फिर एल्डर युआन हंसते हुए अपने मन में कहते हैं कि इसका मतलब तो आपके पास में बहुत कुछ बचा हुआ है, ये तो बहुत बढ़िया है। इसी के साथ फिर एल्डर युआन आगे अपने मन में कहते हैं कि इस बच्चे को हमारे सेक्ट से कोई संबंध नहीं है, और यहाँ तक कि अपने उन दोनों डिसाइपल्स से भी नहीं। इतना सोचने के बाद फिर एल्डर युआन ज़ूफ़ेन से कहते हैं कि स्टीवर्ड ज़ू, आप इतनी दूर तक गए और आपने सेक्ट के लिए इतना कुछ खर्च भी किया, लेकिन फिर भी इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इससे आपका मूड जरूर ही खराब हो गया होगा। तो फिर मैं आपको एक सीक्रेट रूमर के बारे में बताता हूँ जो कि आपकी शायद थोड़ी मदद कर सकता है। तो ये रूमर्स, ये अफवाहें वेस्टर्न लैंड्स की ओर से आई हैं और सिर्फ सेक्ट के हायर अधिकारी ही इसके बारे में जानते हैं, और मुझे भी इसके बारे में एक अल्केमिस्ट के लिए नौकर की भूमिका निभाते हुए पता चला, और मुझे पता चला कि ये रूमर ड्रैगन वेन सोल के बारे में है। एल्डर युआन की ये बात सुनकर के तो ज़ूफ़ेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। के बाद वो थोड़ा हैरान होते हुए एल्डर युआन की ओर मुड़ता है और उनसे कहता है कि क्या
ड्रैगन वेन सोल के बारे में। मगर गाइस इधर जूफेन कितना कहते ही, यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल गाइस मैं चैनल पर एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका की ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। गाइस यकीन करना ये सीरीज बेहद ही ज्यादा बेहतरीन है। मेरे कहने पर एक बार इस सीरीज को बिना स्किप किए पूरी तरीके से इसकी स्टोरी सुनना। एंड पे आने पर मुझे पता है कि आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखने की इच्छा जरूर होगी, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम तक जरूर अपलोड कर दूंगा। और साथ ही मैं सीरीज को कंप्लीट करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिलहाल तो ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।